वाराणसी में मंगलवार को कोरोना का एक नया पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 3 मरीजों को छुट्टी मिली है, वहीं अस्पताल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। अब तक 82,338 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,524 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 41 है। मंगलवार को चोलापुर ब्लॉक के ठीक सामने कटारी गांव में एक किराएदार की बंद कमरे में सड़ी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की शिनाख्त किराएदार प्यारे लाल मौर्य के रूप में हुई है, जो जौनपुर के कादीपुर के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्यारे लाल यहाँ रहकर मजदूरी का काम करते थे। मड़वाड़ी पुलिस टीम को बीती रात बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब सर्विलांस की सहायता से मड़वाड़ी पुलिस और थाने की क्राइम टीम ने 2 शातिर मोबाइल छिनैतों को महेशपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 18 अलग अलग कंपनियों के छिनैती और लूट के मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त राजमिस्त्री का काम भी करते थे। फिलहाल पुलिस उन्हें संबंधित धाराओं में जेल भेजते हुए उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। ये लेबर का भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक ये पेशा बन गया था। जैसा आपने देखा 18 मोबाइलें हैं और लगभग सब लूट या छिनैती की मोबाइलें हैं, जिनसे बरामद की गई। अक्सर सड़कों, वर्किंग प्लेस, अस्पतालों और घरों के आसपास इस्तेमाल किया मास्क गिरा दिखाई देता है। ये मास्क कोरोना फैलने में सहायक हो सकता है। ऐसे में काशी के ट्रस्टी सक्षम स्कूल के 12 साल के आयुष और रेशमा ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक डस्टबिन बनाया है, जिसमें आप यूज्ड मास्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोनों बच्चों ने 6 दिन में 3500 रुपए की लागत से इस डस्टबिन को बनाया है। दोनों ही बच्चों की माँ स्कूल में दाई का काम करती है। बनारस रेल इंजन कारखाना कर्मचारी परिषद के नए संयुक्त सचिव का चुनाव मंगलवार को संपन्न हुआ। इस दौरान धर्मेंद्र कुमार सिंह बरेका कर्मचारी परिषद के नए संयुक्त सचिव चयनित हुए। चुनाव अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुए इस चुनाव में नियत समय तक एकमात्र धर्मेंद्र कुमार सिंह का नामांकन प्राप्त होने के कारण इन्हें निर्विरोध संयुक्त सचिव घोषित किया गया। धर्मेंद्र कुमार सिंह बरेका के मेंटेनेंस सर्विस शॉप में MCM के पद पर कार्यरत हैं। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के डांडी में मंगलवार की सुबह 35 वर्षीय युवक का शव गली में मिला। मृतक के सिर पर चोट के निशान है, वहीं समीप खून से सनी ईंट भी पड़ी थी। ऐसे में सिर कूचकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद SP अमित कुमार मौके पर पहुंचे, वहीं डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस शव की शिनाख्त के साथ ही घटना की छानबीन में जुटी है। मंगलवार की सुबह कुछ लोग सड़क की तरफ टहलने गए तो 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा दिखा। सिर पर चोट के निशान थे। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मारपीट व प्रताड़ना से गंभीर रोहनिया थाना क्षेत्र के मुड़ादेव की रहने वाली 12 वर्षीय बालिका से मिलने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। पूर्व विधायक अजय राय व कांग्रेस जनों ने BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर बालिका का हाल चाल जाना। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर दम तोड़ चुकी है। महिलाओं और बच्चियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिले के सभी 8 विकास खंडों पर मंगलवार को नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से नामित अधिकारियों ने सभी ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं चिराई गांव ब्लॉक पर नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल के शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर बिना मास्क के नजर आए, तो दूसरी तरफ सभी स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। बकरीद का त्यौहार मुस्लिम बंधु बुधवार को अकीदत के साथ मनाएंगे। कोविड नियमों के अनुपालन में इस वर्ष यह पर्व मनाया जाएगा।
सरकार के आदेश के बाद किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और एक स्थान पर 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। इन नियमों और शहर में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पुलिस इंटेलिजेंस और ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने मुस्लिम बाहुल इलाकों में पैदल गश्त कर मुस्लिम बंधुओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यातायात व यात्री सुविधा की एक बड़ी योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने जा रही है। लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में और तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 मंजिल इंटर मॉडल स्टेशन काशी को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस प्रोजेक्ट को मौजूदा काशी स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बना लिया है। अधिकारियों के अनुसार यह एक ऐसा इंटर मॉडल स्टेशन होगा जहां से बस, ट्रेन और वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेशन पर 5-स्टार होटल व बजट होटल भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा अर्बन हॉट तथा यात्री सुविधा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं यहां प्रदान की जाएगी।